हेलो फ्रेंड्स, लेडीज़ क्रिश चैनल में आप सबको स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है कमर साइज़ 28 के लिए, 28 इंचेस के लिए इस तरह का साड़ी में मैंने प्लेटेड लहंगा स्टिच किया है। अभी तक आप नहीं देखा तो मैंने ऊपर लिंक भी दे दिया है। आज की वीडियो में इस लहंगे के ऊपर बहुत ही सुंदर क्रॉप टॉप स्टिच करेंगे, सिंगल टक्स क्रॉप टॉप स्टिच करेंगे। मैंने इस क्रॉप टॉप को स्टिच करने के लिए साड़ी की पल्लू लिया है। पहले हम लाइनिंग के ऊपर मार्किंग और कटिंग करेंगे, इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर मार्किंग और कटिंग करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ ब्लाउज की क्रॉप टॉप की कटिंग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने लाइनिंग कपड़े को पहले डबल फोल्ड किया है, ये देखिए इस तरह मैंने डबल फोल्ड किया है। इसके बाद हम छाती की मार्क करेंगे। छाती है 34 इंचेस, इसका चौथा भाग हुआ 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंच। इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। टोटली हमें 10.5 इंच पे मार्क करना है, फिर भी मैं 11 इंच पे मार्क किया है क्योंकि कमर की साइज़ है 28 इंचेस, इसका चौथा भाग हुआ 7 इंच। इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए और 2 इंच टक्स के लिए, इसलिए हम लाइनिंग कपड़े की ओपन साइड से 11 इंच पे मार्क कर लिया है और इस मार्किंग से हम कपड़े को अच्छी तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह मैंने मार्किंग के ऊपर कपड़े को फोल्ड किया है, डबल फोल्ड किया है। इसके बाद क्रॉप टॉप की लेंथ हमें रखना है 15.5 इंच, इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। टोटली 16.5 इंच पे मार्क कर लिया है मैंने 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। ये देखिए इस तरह मैंने 16.5 इंच पे मार्क किया है क्रॉप टॉप की लेंथ को। इसके बाद नेक की विड्थ को मार्क करेंगे, फोल्डेड साइड से 2.5 इंच पे नेक की विड्थ को मार्क करेंगे। इसके बाद शोल्डर है 3.5 इंचेस और फ्रंट पार्ट की नेक की लेंथ है 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंचेस। इसके बाद आर्मोल है 6.5 इंचेस, ये देखिए इस तरह मैंने 6.5 इंच पे मार्क करके बॉक्स बना लिया है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, इसके लिए आर्मोल में हम 1 इंच पे इस तरह राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद नेक की शेप दे देंगे, आप किसी भी शेप देख सकते हो, मैंने इस तरह का पंच शेप दे दिया है। ये देखिए इस तरह पंच शेप दे के हल्का सा राउंड शेप दे दिया है इसको, इस तरह मैंने नेक को शेप किया है फ्रंट पार्ट की नेक को। अभी हम इसको कट करेंगे। कमर की मार्किंग करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि टक्स लेने के बाद बराबर हो जाएगी कमर की मार्किंग, कमर की साइज़ बराबर हो जाएगी। लाइनिंग कपड़े के ऊपर फ्रंट पार्ट की मार्किंग और कटिंग अभी पूरा हो चुका है, टक्स की मार्किंग हम स्टिचिंग वक्त करेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरा हो चुका है। इसके बाद हम क्रॉप टॉप की बैक पार्ट को कट करेंगे, सिंगल टक्स क्रॉप टॉप स्टिच कर रहे हैं हम। मैंने बैक पार्ट को 11.2 इंच पे फोल्ड किया है क्योंकि बैक पार्ट में हमें बटन्स बनाना है, इसके लिए 1 से 2 पॉइंट हमें मार्जिन रखना है हुक की पट्टी और हाइप की पट्टी बनाने के लिए। इसके बाद फ्रंट पार्ट को इस तरह रखेंगे। रखने के बाद ब्लाउज़ की लेंथ, नेक और शोल्डर की मार्किंग करेंगे इस तरह। ये देखिए ब्लाउज़ की लेंथ, नेक और शोल्डर की पॉइंट्स बना लेंगे। इसके बाद आर्मोल है 6.5 इंच और बैक पार्ट के लिए नेक की लेंथ रखेंगे 10.5 इंच। मैंने 10.5 इंच रखा है बैक पार्ट की नेक को, आप 9 इंच 9.5 इंच आपके हिसाब से रख सकते हो। थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड करने के लिए मैंने 10.5 इंच रखा है। ये देखिए इस तरह मैंने नेक को शेप दे दिया है, पंच शेप दे दिया है बैक पार्ट में भी, और आर्मोल को 1.5 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह हम 1.5 इंच पे बैक पार्ट के आर्मोल को राउंड शेप दे देंगे। अभी हम इसको कट करेंगे बैक पार्ट को। 9 से 10 साल बच्चे के लिए मैं अम्ब्रेला लहंगा की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो बना लिया है, मेरे चैनल में आप देख सकते हो। अभी तक आप नहीं देखा तो मैंने ऊपर आई कार्ड में भी लिंक दे दिया है,
लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को देख लीजिए। और इसके साथ मैंने क्रॉप टॉप भी स्टिच किया है, ग्रीन कलर का और येलो कलर का अम्ब्रेला लहंगा है। ये देखिए, इस तरह मैंने लाइनिंग कपड़े के ऊपर क्रॉप टॉप के लिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को कट किया है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। एक स्लीव्स को कट करना है तो डबल फोल्ड कीजिए, दोनों स्लीव्स को एक ही साथ कट करना है तो फोर लेयर्स में फोल्ड कीजिए। मैं पहले एक स्लीव्स को कट करूँगी, इसलिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। इसके बाद फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक ले लीजिए। लेने के बाद इस तरह आर्म होल की लेंथ लेना है, हमें 8 इंच है। इसमें हम 1.5 से 2 इंच ऐड करेंगे, इसलिए मैंने कपड़े को 9.5 इंच पे डबल फोल्ड किया है। 8 इंच पे मैंने 1.5 इंच ऐड किया है। ऐड करने के बाद 9.5 इंच पे कपड़े को डबल फोल्ड किया है। इसके बाद स्लीव्स की लेंथ रखना है हमें 4.5 इंच, इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। 5.5 इंच पे स्लीव्स की लेंथ को मार्क करेंगे। इसके बाद ऊपर से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे स्लीव्स डाउन के लिए। इसके बाद फोल्डेड साइड से 3.5 इंच पे मार्क करना है, 3.5 इंच पे। इसके बाद आर्मोल में स्लीव्स की फिटिंग लाइन है 7 इंच और नीचे की फिटिंग लाइन है 5.5 इंच। इस पॉइंट से हमें यहाँ तक स्लीव्स डाउन करना है, स्लीव्स की शेप देना है। ये देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें स्लीव्स की शेप देना है और आगे सीधा रखना है। ये देखिए, इस तरह हमें सीधा रखना है। ये फिटिंग लाइन है और ये मार्जिन लाइन है। 2-2 इंच हमने ज़्यादा रख दिया है मार्जिन के लिए। अभी हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, स्लीव्स की कटिंग भी लाइनिंग कपड़े के ऊपर पूरा हो चुका है। हमने पहले एक स्लीव्स को कट कर दिया है और अभी एक स्लीव्स को कट करेंगे बाकी कपड़े में। ये देखिए, इस तरह हम कट किया हुआ स्लीव्स को इसके ऊपर रखेंगे। अभी हम इसको कट करेंगे। लाइनिंग कपड़े के ऊपर क्रॉप टॉप के लिए मार्किंग और कटिंग पूरा हो चुका है। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स को भी हमने कट किया है। इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर मार्किंग और कटिंग करेंगे। पहले हमें मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग के लिए। ये देखिए, इस तरह हमें डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर कट किया हुआ लाइनिंग कपड़े की फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर। लाइनिंग कपड़े की फोल्डेड साइड और मेन फैब्रिक की फोल्डेड साइड एक ही तरफ होना चाहिए। इस तरह हम रखेंगे। ये देखिए, ये बैक पार्ट है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। अच्छे से जोड़ के रखने के बाद अभी हम इसको कट करेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर भी क्रॉप टॉप की मार्किंग और कटिंग अभी पूरा हो चुका है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। मैंने स्लीव्स के लिए साड़ी की बॉर्डर लिया है। ये देखिए, इस तरह साड़ी की बॉर्डर है। बॉर्डर में हम स्लीव्स बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह मैंने स्लीव्स के लिए बॉर्डर को कट किया है दोनों स्लीव्स के लिए। आज की वीडियो में हमने क्रॉप टॉप की कटिंग देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग देखेंगे। 34 साइज की सिंगल टच क्रॉप टॉप की कटिंग देख लिया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है लेडीज़ क्रेज। आप सब्सक्राइब किया तो मैंने अपलोड किया हुआ सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।